वेलकम बैक टू माई चैनल अम्मी जान की रसोई। और आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी के छिलकों के कबाब। मैं हूँ नीलोफर। चलिए बात करते हैं बनाना शुरू। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जमा कर लिए हैं, यहाँ पर हमने सारी क्वांटिटीज़ ले ली हैं और इन्हें मिलाकर हमें बनाने हैं लौकी के छिलके के कबाब। सबसे पहले हमें चाहिए लौकी के छिलके, जिन्हें मैंने धो लिया है, साफ करके छील लिया है। सूखी मिर्चें 5-6, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून। 1 कप चना दाल ली है, जिसे मैंने पहले ही 1 घंटा भिगो लिया है। 1 बाउल सोयाबीन की बड़ी ली है। सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लें। और होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चलिए करते हैं, देखते हैं अब क्या करना है। कुकर में मैंने सोयाबीन बड़ी डाल ली, ऐड कर ली हैं, और अब चने दाल को ऐड कर लेंगे। मिर्चें ऐड कर देंगे और अब इसमें हमें सॉल्ट ऐड करना है। में हम सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें। मैंने इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स कर ली। अब इसे हम प्रेशर देंगे जब तक कि चना दाल गल ना जाए। इसे बॉईल करेंगे। देखिए सब मिक्स कर लिया। अब इसमें वाटर ऐड करना है। 1/2 कप मैंने वाटर ऐड किया है और इसे स्लो फ्लेम पर हमें इसे गला लेंगे ताकि हमारा ये सब अच्छे से गल जाए। फिर इसे हम पीस के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए इसे हम ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद इसे हमें पेस्ट बनाना है। हमारा पेस्ट रेडी है। अब इसके लिए हमें चाहिए ग्रीन चिली, जो मैंने बारीक कट कर ली है, 2 ग्रीन चिली ली हैं, और 1 नींबू का रस लिया है। इसे हमें अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। ये बहुत टेस्टी कबाब होते हैं। इन कबाब को खाने के बाद आप गोश्त के कबाब भी भूल जाएंगे। इन्हें अच्छे तरह से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करना है हमें। और अब इसकी हम गोलियां बनाएंगे। इसके लिए हमें एक प्लेट को ऑयली कर लेना है। ऑयलिंग कर लेने के बाद हम गोलियां बनाएंगे ताकि ये स्पेस्टिक ना हो, क्योंकि डो हमारा बहुत सॉफ्ट है। मैं गोलियां बना रही हूँ। देखिए बहुत ही जेंटली इन्हें बनाना पड़ता है। बहुत ही सॉफ्ट कबाब बनते हैं। इस तरह से मैं सारे गोलियां बनाकर रख लूँगी। देखिए हमारे सारे कबाब रेडी हैं। अब इन्हें मैं लाइटली हैंड से प्रेस कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अब इन्हें हम अब हमें चाहिए एक एग, जिसे मैं बीट कर रही हूँ, और इसमें मैंने 1 पीस सॉल्ट ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। अब एक फ्राइंग तवा में, नॉन स्टिक फ्राइंग तवा में मैंने ऑयल ले लिया और अंडे में इसे डिप करके मैं कबाब बनाऊंगी और फ्राई करने के लिए रख दूंगी। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट डो है और कितना जेंटली इसे बनाना पड़ रहा है। ये बहुत टेस्टी होते हैं, आपको बहुत मज़ा देने वाले हैं। इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। अब इसे हम इसी तरह से धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। देखिए मुझे पलटने में भी, मैंने धीरे धीरे इन्हें पलट दिया।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इन्हीं तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। और गरम मसाला रेसिपी के लिए मेरे चैनल को देख लें और आई कार्ड में आपको उसका रेसिपी मिल जाएगा। देखिए, लगभग हमारे कबाब एक साइड से रेडी हो चुके हैं, सेकंड साइड में भी हमें इन्हें फ्राई कर लेना है और ऑयल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। मैं एक बार चेक करूंगी, ये हमारे दोनों साइड से रेडी हो गए हैं। अब इन्हें हम सर्व करेंगे, हमारी रेसिपी रेडी है। ये अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इन्हें शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।